हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग जो एक सीरीज एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और ये टॉपिक हमारे पास कौन सा था, टेंस था, जिसमें हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं अगले टेंस के बारे में। पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वो किसके बारे में बात की थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात की थी। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम बात करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करें हम लोग, इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको अपन पहले चेक कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि एक बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं सब में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म जिसका मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या आईएनजी फॉर्म जो होता है इसको क्या क्या नाम दिया जाता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, प्रोग्रेसिव फॉर्म हो गया, या फिर कॉन्टिन्यूस फॉर्म हो गया। ये फॉर्म जो है ये फॉर्म ही कौन सा है, कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक तो होता है वोज और एक क्या हो जाता है, वर हो जाता है। वोज और वर के साथ मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है, आईएनजी फॉर्म। जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं सब में एक बात कॉमन होती है कि सबके अंदर उस काम को बताने का काम किया जाता है जो कार्य क्या रहा हो, जारी रहा हो। अगर ये पास्ट में जारी रहा हो तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। दो वर्ब आपके पास है, वोज और वर, और मेन वर्ब जो है उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। देखिएगा, अगर हम वर्ब्स की बात करें कि कौन सी वर्ब किसके साथ यूज होती है, तो यहां से ध्यान देना कि वोज जो है वो कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, इसीलिए इसका यूज जो होगा वो कैसे सब्जेक्ट के साथ होने वाला है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। वर बताइए कैसा वर्ब है, प्लूरल, इसका मतलब इसका यूज कैसे सब्जेक्ट के साथ होने वाला है, प्लूरल के साथ होने वाला है। एक बात आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, ये आपको पता है। देखिएगा, कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं आपके पास, सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास हो गए, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, कोई भी एक, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो होते हैं वो कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर। अगर हम बात करें प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में, देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि प्लूरल सब्जेक्ट, तो देख लीजिएगा, प्लूरल की बात करें आपके पास में वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या एक से ज़्यादा लोग, मोर देन वन, एक से अधिक जो होते हैं वो क्या है आपके पास में, प्लूरल है। बताइए भाई, अब हमारे पास एक सब्जेक्ट है आई, अगर हम आई के बारे में बात करें तो आई जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों काम करता है, आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आई सिंगुलर कौन से टेंस में होगा, पास्ट में, और आई प्लूरल कौन से में होने वाला है, प्रेजेंट में होने वाला है, ठीक है। वैसे तो आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट और वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आई जो होता है वो सिंगुलर होता है कौन से टेंस में, पास्ट में, और प्लूरल होता है कौन से में, प्रेजेंट में होता है। ध्यान देंगे यहाँ से, अगर हम दो वर्ब्स के बारे में बात करें, आज की क्लास में हमारे पास दो वर्ब है, एक तो है वोज और एक क्या है, वर है। वोज की बात करें तो वोज कैसा वर्ब है, सिंगुलर, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ये दो बातें आपको ध्यान देनी है हमेशा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर आपका है प्लूरल तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये दो बातें आपको ध्यान देनी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है ये आपको बताया गया, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल है ये बात बताया गया। वर्ब्स की बात करें तो वोज जो है वो कैसा वर्ब है, सिंगुलर, और वर जो है वो कैसा वर्ब है, प्लूरल। अगर वर्ब प्लूरल वर्ब है तो जाहिर सी बात है इसका यूज कैसे सब्जेक्ट के साथ होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। आई के बारे में बात करें, आई पास्ट के अंदर सिंगुलर होता है, मतलब आई के साथ किसका यूज होना है, वोज का, और मेन वर्ब की बात करें तो कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। पूरे के पूरे टेंस में आपको सिर्फ दो ही चीज़ें सीखनी होती हैं, दो ही चीज़ें जिनको ध्यान देना होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। दो चीज़ें आपको समझनी होती हैं। अगर हम मेन वर्ब्स की बात करें तो जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूस होते हैं सब में आईएनजी होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट हो, या फ्यूचर। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हमारे पास दो वर्ब हैं, वोज और वर, जिसमें से वोज सिंगुलर वर्ब है और वर प्लूरल वर्ब है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन से प्लूरल है, ये आपके बताया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपन इससे आगे।
वो जो और वर्क के बारे में अगर एक छोटी सी बात और डिस्कस करें, देखिए एक बार अब जो एक बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर चेक कर लेना, ये सारी चीज़ें सारे के सारे जो टेंस हैं उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है, जिसमें ये सारे के सारी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब जो है वो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। सबसे पहला सवाल हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच की बात करें तो बताइए हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो जाता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या कहती है कि मैं सहायक क्रिया हूँ किसकी, मैन वर्ब की, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है उसके साथ क्या आना जरूरी है, मैन वर्ब आना जरूरी है। कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती है, जब उसके बाद में क्या आ जाए, मैन वर्ब आ जाए। देखेंगे आप लोग हमारे पास कुछ वर्ब है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इजारा, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं वोज वर्ब के बारे में। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ वर्ब है, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, ये जितने भी शब्द आप लोग देख रहे हैं ये एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों हैं। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच का डिफरेंस क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा क्या कहती है कि मेरे बाद क्या आना जरूरी है, मैन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, किसकी सहायक क्रिया है, मैन वर्ब। अगर यहीं से हम एक सिंपल सा सेंटेंस बना दे, हमने एक सिंपल सा सेंटेंस बनाया, देखिए यहां से अगर हम बात करें, एक सेंटेंस हमने बनाया ही वॉज वर्किंग हार्ड। पहले बेसिक्स देख लेंगे अपन। हमने एक पहला सेंटेंस बनाया ही वॉज वर्किंग हार्ड, इस सेंटेंस के बारे में बात करें, और अगला सेंटेंस हम बना दे ही वॉज अ टीचर। दोनों सेंटेंस में हम लोगों ने क्या यूज किया है, वॉज का यूज किया है। यहाँ पे वोज के बाद में आईएनजी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म दिया हुआ है, तो ये मैन वर्ब है आपके पास। अगर ये मैन वर्ब है तो वोज बताइए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। दूसरे वाले में वोज के बाद में ए आर्टिकल दे रखा है, मतलब मैन वर्ब नहीं है, और अगर मैन वर्ब नहीं है तो वोज हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगा। वोज हेल्पिंग वर्ब का काम तभी करेगा जब इसके बाद में क्या आ जाए, मैन वर्ब। तो यहाँ पर देखिएगा ये खुद क्या बन जाएगा, मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस है, वोज और वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं और मैन वर्ब भी होती हैं। तो आपको क्या ध्यान देना है कि वोज वर के बाद में आईएनजी फॉर्म भी दिखाई दे सकती है, और आईएनजी फॉर्म का यूज अगर ना किया गया हो वोज और वर के बाद में तो समझ जाएंगे कि वोज जो है वो एक्चुअली किसका काम कर रहा है, वोज जो है वो किसका काम कर रहा है, मैन वर्ब का काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस को लेकर कुछ एग्जांपल्स के बारे में, समझेंगे आप लोग। पास्ट कंटीन्यूअस के बारे में अगर कुछ और बातें करें उससे पहले कुछ बेसिक सी चीजें आप लोग और समझ लेंगे जो हम पिछली क्लासेस में भी बात करके आए थे। देखिए मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है यहाँ पे, आईएनजी फॉर्म। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं भाई, आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। पास्ट कंटीन्यूअस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए, आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म जिसको बोलते हैं आप। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता है। वो वर्ब कौन कौन सी हैं, जिसमें से हमने पहले हेडिंग डाला है वर्ब्स ऑफ सेंसेस। आपने कॉमन सेंस के बारे में सुना होगा, कॉमन सेंस कौन कौन से होते हैं, कॉमन सेंस हो गया आपका आई, आपका ईयर मतलब कान, इसके अलावा आपका नाक, नोज, ठीक है, आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, टंग मतलब जीभ, और क्या हो गया, स्किन मतलब जो चमड़ी होता है वो भी आपका क्या हो गया, ये जो स्किन होता है ये भी आपके पास क्या होता है, आपका कॉमन सेंस होता है। इन पांचों सेंस से जो वर्ब बनती है उनके साथ आप आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते हैं। देखेंगे आप लोग इन पांचों सेंस से बनने वाली वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है। अगर सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास एक वर्ब होती है सी, सी का मतलब होता है देखना, सी के साथ अगर हम आई एन जी का यूज करें तो ये क्या बन जाएगा, सींग बन जाएगा। और हम लोगों ने बात किया चूंकि ये वर्ब्स ऑफ सेंसेस है इसका मतलब इसके साथ आई एन जी का यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप सी के साथ आई एन जी का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ आप आई एन जी का यूज कर सकते हैं, लुक या वॉच के साथ आई एन जी का यूज कर सकते हैं, मतलब लुकिंग और वॉचिंग क्या होगा, सही होगा। आपके मन में एक सवाल होगा कि सी के साथ जब ing का यूज नहीं कर सकते हैं तो लुक और वॉच जो है ये काम भी किसका है, आग का है, तो फिर इनके साथ ing का यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ देखेंगे। हियर के साथ ing का यूज करें तो ये हियरिंग बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अगर हमें इसको सही करना है तो हम लिसन वर्ब के साथ में ing का यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके साथ ing का यूज नहीं कर सकते,
हियरिंग के साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। हमारे लिए सवाल ये था कि सी के साथ आईएनजी नहीं लग सकता तो फिर लुक और वॉच के साथ क्यों लगता है, और दूसरी चीज अगर हियरिंग के साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है तो फिर लिसनिंग के साथ क्यों होता। दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं, देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके लिए सबसे पहले अपन तीन वर्ब्स के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास तीन वर्ब है, सी, लुक और वॉच। तीनों के अंदर कॉमन बात क्या है कि तीनों का हिंदी मतलब क्या होता है, आपके पास देखना होता है, और तीनों के तीनों क्या है, आपके पास वर्ब है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तीनों वर्ब है, तीनों का हिंदी मतलब देखना होता है। हम बात कर रहे हैं इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है, लेकिन इस डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और समझते हैं। आप लोगों ने कुछ वर्ड सुने होंगे जिसमें से एक आपके पास होता है सिनोनिम्स, एक आपके पास होता है एंटोनिम्स, ठीक है। बताइए ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जिसका हिंदी मतलब होता है समानार्थी शब्द, और एंटोनिम्स जिसका हिंदी मतलब होता है विलोमार्थी शब्द। देखिए टर्म दो चीज़ें आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा इंग्लिश में होता नहीं है। ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जैसी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसा इंग्लिश में नहीं होता है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे, वजह क्या है कि आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा जहाँ पे आप लोगों ने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जैसे शब्दों को देखा है। चलिए बात करते हैं अपन कि होता है या नहीं होता, लेकिन उससे पहले एक बात समझ लो कि सिनोनिम्स जो होता है इसका हिंदी मतलब होता है समानार्थी शब्द, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोमार्थी शब्द। समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि एक वर्ड हटा दीजिए और दूसरा शब्द लगा दीजिए, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ये सिनोनिम्स होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। देखिएगा एक बार, सी, लुक और वॉच तीनों का हिंदी मतलब देखना होता है। अगर हम सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो देखिए सी का सिनोनिम जो है वो क्या हो सकता है, आपके पास लुक और वॉच हो सकते हैं। लेकिन हमने बात की कि अगर ये तीनों शब्द एक दूसरे के सिनोनिम हैं तो इसका मतलब इन तीनों शब्दों में जो तीनों जो वर्ड हैं वो एक जैसे होने चाहिए। चलिए बात करते हैं तीनों का हिंदी मतलब क्या होता है, बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग मुझे देखने के लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, मतलब सी यूज करेंगे, लुक यूज करेंगे या वॉच यूज करेंगे? तो देखिए अगर आप ये देख रहे हैं कि सामने एक बंदा खड़ा है और उससे आपको कोई मतलब नहीं है, तो आप मुझे क्या कर रहे हैं, सी कर रहे हैं। मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, अगर ये देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लुक कर रहे हैं। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वॉच। इसीलिए टीवी और मूवी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉच। सवाल मेरा क्या था कि अगर ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं और ऐसा कोई टर्म होता है तो फिर जहाँ पे वॉच लगना चाहिए फिर वहाँ पर क्या और लगना चाहिए, लुक भी लगना चाहिए। कि जहाँ पे वॉच लग रहा है वहाँ पे आप लुक भी लगा दीजिए, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा है तब तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होता। तो याद रखें लुक जैसी वर्ब जो है उनका यूज हम वॉच के स्थान पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ है। अब हमारे लिए सवाल क्या है कि सी, लुक और वॉच के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। हमें पता चला कि एक दूसरे के स्थान पे यूज नहीं हो सकते, तीनों शब्द दिखने में एक जैसे हैं लेकिन तीनों अलग अलग वर्ड। अगली बात देखिएगा, अगर नहीं होते, आपके एग्जाम में भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अक्सर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखने को नहीं मिलेगा। आजकल एग्जामिनर जो है वो मोस्ट सिमिलर वर्ड या फिर मोस्ट अपोजिट वर्ड का यूज करता है, या तो मोस्ट सिमिलर वर्ड होगा और या फिर क्या होगा, मोस्ट अपोजिट वर्ड। क्यों? क्योंकि कोई भी शब्द मिलता जुलता शब्द हो सकता है, मोस्ट सिमिलर वर्ड हो सकता है, मोस्ट अपोजिट वर्ड नहीं होगा। आपको एग्जाम में भी सिमिलर या फिर अपोजिट वर्ड का यूज करेगा, इसका मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा शब्द नहीं हो सकता है जो एक जैसा यूज का हो। अगर दो वर्ड एक जैसे हैं तो उनके बीच में डेफिनेटली देर माइट बी अ स्लाइट डिफरेंस, बट देर विल बी, दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई क्या होगा, डिफरेंस होगा। समझ में आ गया? क्या बात कर रहे थे अपन? हम बात कर रहे थे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है, जिनमें से सबसे पहले नंबर एक में हमने बात की वर्ब्स ऑफ सेंसेस के बारे में, जिसमें आँख, नाक, कान, जीभ और स्किन के बारे में बात की। ये आपके सेंस हैं, इनसे बनने वाली जो वर्ब होती है इनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। जिसमें से हमने कहा कि सी के साथ आईएनजी का यूज नहीं हो सकता, अगर आप इसको सही करके लिखना चाहें तो सी को किस में चेंज कर सकते हैं, लुकिंग या फिर वॉचिंग में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हियरिंग को आप किस में चेंज कर सकते हैं, लिसनिंग में। हियरिंग का मतलब सुनना होता है और लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान से सुनना। इसीलिए वी आर नॉट सपोज टू यूज केयरफुली शब्द विद लिसनिंग, क्योंकि लिसन इट्सेल्फ डिनोट्स
टू लिसन अटेंटिवली। लिसन का मतलब भी ध्यान से सुनना होता है, इसलिए हम लोगों को लिसन वर्ड के साथ केयरफुली शब्द का प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लिसन का मतलब ध्यान से सुनना। दो वर्ब हम लोगों ने यहाँ पे बात की, अब बात करते हैं कुछ और वर्ब भी हैं जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते। देखिए कौन कौन सी वर्ब हैं। इन वर्ब्स को पढ़ने के लिए हम लोग कुछ एक फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेसियस वर्ब्स का नाम दे देते हैं। देखिएगा ये वर्ब कौन सी है, ये वर्ब है आपके पास फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेसियस वर्ब्स। देखिए हमने यहाँ पे जो नाम है वो फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेसियस वर्ब्स क्यों दिया है वो समझ लेंगे आप लोग। फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेसियस वर्ब का मतलब होता है कुछ ऐसी वर्ब जो आपकी निश्चित मानसिक स्थिति दर्शाती है। ऐसी वर्ब जिनका प्रोग्रेशन संभव नहीं होता है उन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। ये वर्ब कौन कौन सी हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज नहीं होता है, तो देखिएगा लव हो गया आपके पास में, और कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करते, लव हो गया, लाइक हो गया, हेट हो गया, वॉन्ट हो गया, रिगार्ड हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, हाँ जी, और क्या है आपके पास, और भी कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करते, रिस्पेक्ट हो गया, इसके अलावा रिमेंबर हो गया, रिजेंबल हो गया, फॉगेट हो गया, बिलीव हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, नीड हो गया, नो हो गया, सीम हो गया, अडोर हो गया, अडोर का मतलब प्रशंसा करना ना, अडोर हो गया, फील हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया। देखिए ये जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस में जो हमने बाकी वर्ब्स के बारे में बात की थी उनमें से जो कुछ वर्ब है वो हमने यहाँ पे लिख दिए। कौन कौन से? फील, स्मेल और टेस्ट। टेस्ट हो गया, और क्या हो गया आपके पास में? नोटिस हो गया, ओ डब्ल्यू एन, ऑन हो गया आपके पास में, माइंड हो गया आपके पास में, रिकग्नाइज हो गया आपके पास में, प्रेफर हो गया आपके पास में, नोटिस हो गया आपके पास में, इमेजिन हो गया आपके पास, इमेजिन हो गया आपके पास। ये जो वर्ब आपको दिखाई दे रही है इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। देखिएगा लव, लाइक, हेट, वॉन्ट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, ऑन, माइंड, रिकग्नाइज, प्रेफर, नोटिस, इमेजिन। ये जो वर्ब है इनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। वजह क्या है इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं करने की? ये सारी की सारी वर्ब जो है वो फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेसिस वर्ब है। कहने का मतलब ये ऐसी वर्ब्स हैं जो एक निश्चित मानसिक स्थिति दर्शाती है, इसलिए हम इन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते। अब हमारे लिए सवाल क्या है कि इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का यूज तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में आईएनजी का यूज हो जाए तो फिर उस सेंटेंस को सही करने का तरीका क्या होगा, मतलब इस सेंटेंस को अगर हमें सही करना हो तो सही कैसे करेंगे वो देखिएगा। आईएनजी का यूज जो है वो दो प्रकार के टेंस में हो सकता है, या तो आपके पास दिया गया टेंस कौन सा हो, कॉन्टिन्यूस हो, और या फिर क्या हो आपके पास में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों प्रकार के सेंटेंस के अंदर, दोनों प्रकार के टेंस के अंदर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म। हम बात कर रहे हैं इन वर्ब्स के साथ में आईएनजी का यूज अगर किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में इन वर्ब्स के साथ में आईएनजी का यूज अगर दिखाई देता है तो सेंटेंस हो जाता है गलत। और सही करने का तरीका क्या होता है कि आप उस वाक्य को बदल कर उसी टेंस के इनडेफिनेट में या सिंपल में बदल देना। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में इन वर्ब्स के साथ में आईएनजी आता है तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदल देना, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इनके साथ आईएनजी आता है इन वर्ब्स के साथ में तो आप इनको बदल कर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख देना। अगर दिया गया वाक्य परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो तो आप इसको बदल कर कौन से वाले टेंस में लिख दोगे? परफेक्ट टेंस में लिख दोगे। अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देना। हमने क्या बात की? इन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में इन वर्ब्स के साथ में आईएनजी का यूज किया गया हो तो इसको चेंज करने का सही तरीका क्या होता है, यह आपको ध्यान रखना। मतलब कॉन्टिन्यूस वाले टेंस को किसमें चेंज कर देंगे? इंडेफिनिट में, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाले को चेंज कर देंगे परफेक्ट। अगली जो बात है वो और देखेंगे, क्या इन वर्ब्स के साथ में कभी आईएनजी का यूज किया जा सकता है क्या? देखेंगे
एक मैन वर्ब के साथ अगर आप आईएनजी का यूज कर देते हैं तो इस आईएनजी का यूज कर देने से ये जो वर्ड है वो तीन अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, कि वो क्या हो सकता है, वर्ब हो सकता है, और बोलिए क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, और बोलिए क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इन वर्ब्स के साथ आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, और आईएनजी का यूज जो है वो अगर किसी भी वर्ब के साथ अगर हम कर देते हैं तो वो तीन अलग अलग तरीके से यूज हो सकता है, मतलब वो वर्ब का काम कर सकता है, नाउन का काम कर सकता है, और एडजेक्टिव का। हम बात कर रहे हैं इन सारी वर्ब्स के बारे में, और हम क्या बात कर रहे हैं कि इन वर्ब्स के साथ में आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, कब, जब ये किसका काम कर रही हो, वर्ब का काम कर रही हो। आप कब इनके साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं, जब ये नाउन का काम कर रही हो या एडजेक्टिव का काम कर रही हो, तो आप इन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल आपके मन में ये होगा कि हम कब तो इनको वर्ब मानेंगे और कब इनको एडजेक्टिव मानेंगे या कब नाउन मानेंगे। इस नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव वाली बात को समझने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आपके पास ये है कि अगर ये वर्ब का काम करेगा तो कम से कम हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ रहा है तो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, मैन वर्ब। और आज की क्लास में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वॉज और वर है। तो अगर वॉज वर्ब के बाद में ये वर्ब अगर आपको दिखाई देती है और इन वर्ब्स के साथ अगर आईएनजी लगा है तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में ये वर्ब का काम करती है और इन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज वर्ब के रूप में नहीं होता है। और इसके अलावा अगर सेंटेंस में कहीं भी यूज हो जाए तो आप इसको या तो नाउन मानेंगे या एडजेक्टिव मानेंगे, और दोनों ही केस में हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं। अगर आप समझना चाहें तो देख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में क्या लिखते हैं, वर्ब, और उसके बाद में क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द क्या हो सकता है, नाउन। ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाला शब्द भी क्या हो सकता है, नाउन। और कोई भी शब्द अगर एडजेक्टिव होगा तो वो नाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन से पहले आएगा। क्या बात कर रहे हैं अपन कि ये आईएनजी लगने से ये शब्द वर्ब का काम कब करेंगे, जब इनसे पहले आपको क्या दिखाई दे जाए, कोई हेल्पिंग वर्ब, तब तो ये किसका काम करेंगे, मैन वर्ब का। और अदरवाइज ये अगर सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हो रहे हैं तो आप इसको क्या मानेंगे, नाउन। ऑब्जेक्ट के स्थान पे मतलब वर्ब के बाद में यूज हो रहे हैं तो आप इसको नाउन मानेंगे, और अगर नाउन से पहले यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव। सिंपल शब्दों में याद रखना चाहे तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना, वॉज वर्ब के बाद में इनमें से किसी भी वर्ब के साथ अगर आईएनजी दिखाई देता है तो ये गलत हो जाएगा, और सही करने का तरीका आपके पास ये वाला होने वाला है। बताइए सारी वर्ब समझ में। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन, देखेंगे आगे पास्ट कंटिन्यूअस को लेकर। देखिएगा सबसे पहले वाले सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो पहला सेंटेंस आपके पास में लिखा हुआ है, शी वॉज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। ये आपके पास में पहला सेंटेंस दिया हुआ है, और आपको ये बताना है कि सेंटेंस के कौन से भाग में गलती है। ये हमने लिख दिया नो एरर, नंबर 4 रहेगा, ये नंबर 3 रहेगा, ये नंबर 2 रहेगा, और ये नंबर 1 है। शी वॉज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, इस वाले सेंटेंस में आपको पहले बताना है कि इस वाक्य में क्या एरर है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और यहाँ पर ये हैविंग जो है वो मैन वर्ब का काम कर रहा है, और वोज किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से कि हैव वर्ब जो है क्या उसके साथ आईएनजी का यूज हो सकता है क्या, तो इसके जवाब के लिए पहले हैव शब्द को समझिए। हैव शब्द एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और एक हैव होता है मैन वर्ब। ध्यान देंगे आप लोग, एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए एग्जामिनर जब भी क्वेश्चंस बनाता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाता है ताकि स्टूडेंट गलती करे। हैव नाम के दो शब्द आपके पास है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मैन वर्ब होता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि कोई भी वर्ब अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो बाद में क्या आना जरूरी है, मैन वर्ब। हैव जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद में आपको मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखाई देगा, थर्ड फॉर्म। और अगर हैव के बाद में मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा है तो आप समझेंगे कि हैव जो है वो क्या काम कर रहा है, मैन वर्ब का। और जब भी हैव मैन वर्ब का काम करता है तो इसके तीन यूज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 खाना, नंबर 2 पीना, और नंबर 3 रखना। तीन यूज होते हैं इसके, खाना, पीना और रखना। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ आई हैव अ पेन,
इसमें हैव मेन वर्ब है, क्योंकि हैव के बाद में कोई दूसरा मेन वर्ब नहीं दे रखा है, तो हैव खुद मेन वर्ब बन जाएगा। यहाँ पे हैव का मतलब रखना हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव लंच, इसका मतलब यहाँ पे हैव शब्द का मतलब खाना हो जाएगा। और अगर मैं बोल देता हूँ आई हैव टी और कॉफ़ी, तो ये हैव शब्द जो है वो क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या बन जाएगा, पीना बन जाएगा। खाना पीना और रखना, तीन सिचुएशन में हम लोग हैव के साथ आई एन जी का यूज कर सकते हैं। याद रखें, हैव के साथ अगर हम एस का यूज कर दें तो ये क्या बन जाता है, हैज बन जाता है। कहने का मतलब हैज जैसा कोई शब्द नहीं होता है, हैज जो है वो एक्चुअली हैव के साथ क्या लगने से बना है, एस लगने से बना है। और हैव जो होता है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो हैड होती है। तो हैड क्या भी पता चल गया आपको कि हैड भी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों होती हैं। हैव के साथ ऐसा लगा देंगे तो हैज बन जाएगा, और हैड जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज होता है। हैव के साथ अगर हम आईएनजी का यूज करें तो ये बन जाएगा हैविंग। हैविंग जो शब्द होता है ना, इसके दो अलग अलग यूज है, ये आपको ध्यान से समझना है। हैव क्या कहता है कि मेरे साथ तुम आईएनजी का यूज कर सकते हो, कब, जब बात या तो खाने की हो और या फिर बात हो पीने की। हैव कहता है कि मेरा यूज, मतलब मेरे साथ तुम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हो, कौन से केस में, जब बात किसकी हो जाए, रखने की हो जाए, तो हैव वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जाता है। ऐसे केस में हम लोग हैविंग जो शब्द होता है, मतलब ये जो दिया गया वाक्य कॉन्टिन्यूस में होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा, उसको चेंज करके किस में बना देना, या तो इनडेफिनेट में बना देना और या फिर किस में बना देना, परफेक्ट में बना देना। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव के साथ आईएनजी लग रहा है तो परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस में या किसी भी कॉन्टिन्यूस में लग रहा है तो उसी टेंस के किस में चेंज कर देना, इनडेफिनेट में चेंज कर देना। अब देखिए, अब आपके पास में ये जो सेंटेंस दे रखे हैं, अब इस सेंटेंस के बारे में बात करें, शी वॉज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग। बताइए यहाँ पे हैविंग का यूज जो है वो किसके लिए हो रहा है, खाने पीने के लिए हो रहा है या रखने के लिए हो रहा है। तो आपको पता चला यहाँ बात रखने की कर रहा है, खाने पीने की बात नहीं कर रहा है, तो कम से कम सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। सही करने का तरीका है, ये वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस का है तो बदल कर कौन से में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये होता पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो किस में चेंज कर देते, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन अपन चेंज करेंगे इसको किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है मैन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, और हैव जो होता है उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। तो आपका वॉच हैविंग के स्थान पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा, शी हैड अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगले बात कर रहे हैं अपन, देखिएगा कुछ एग्जांपल्स के बारे में। और अगला सेंटेंस आपके पास में लिखा हुआ है, शी इज रिजेम्बलिंग, इज के स्थान पे वॉच कर देंगे, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना अपन, देखेंगे शी was resembling with her younger sister। ये आपके पास में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बताइए जल्दी से इस वाक्य में क्या एरर हो सकता है। एन ई का मतलब नो एरर है, नंबर चार, ये नंबर तीन हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में नंबर दो है, ठीक है। इस हर वाले पार्ट को आप लोग नंबर दो में कन्वर्ट कर देना, और ये नंबर एक हो जाएगा आपके पास। She was resembling with her younger sister, ये आपके पास में सेंटेंस है। पहली बात आप लोगों को पता चल रहा है क्या, resemble वर्ब के साथ ing का यूज नहीं होता है। Was resembling आ गया, was helping वर्ब है, resembling मैन वर्ब है, इसका मतलब मैन वर्ब के रूप में हम अभी जो वर्ब्स बात करके आए थे, love, like, hate, want, इनके साथ में हम ing का यूज नहीं करते। सही करने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको चेंज करके अपन बना देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस है ना, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में मैन वर्ब का सेकंड फॉर्म, रिजेम्बल के स्थान पे क्या बना देंगे अपन, रिजेम्बल्ड बना देंगे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, रिजेम्बल जो वर्ब होता है जिसका हिंदी मतलब होता है मिलता जुलता होना, रिजेम्बल का मतलब होता है मिलता जुलता होना। और ध्यान रखेंगे, रिजेम्बल जो वर्ब होता है इसके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, विद का यूज नहीं करते, इसलिए विद भी हट जाएगा यहाँ से। दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, आपको पता चला चूंकि ये फिक्स्ड मेंटल एक्सप्रेसिव वर्ब्स हैं, इसके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं करते, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा आगे कोई भी एक सेंटेंस और बना देते हैं। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, हर लविंग सन, अगला सेंटेंस देखेंगे, हर लविंग सन वॉज
फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ये आपके पास में एक हमने कोई सिंपल सा सेंटेंस बना दीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास में थर्ड पार्ट है और ये नो एरर है, नंबर चार है, तो बताइए कौन से पार्ट में एरर है। आप लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने पहले बात की कि मैन वर्ब के रूप में, वो जो बताइए क्या है आपके पास, हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो फॉरगेट बताइएगा क्या हो जाएगा, मैन वर्ब। हम मैन वर्ब के रूप में आईएनजी नहीं लगा सकते हैं, और फॉरगेट जो वर्ब है उसके साथ भी आईएनजी का यूज नहीं होता है। ऐसे केस में इसको सही करने का तरीका क्या होगा, फिर वही बात, फॉरगेट जो है उसका सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, और फॉरगेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉरगॉट हो जाएगा। दूसरा सवाल आपके मन में ये होगा कि सर लव वर्ब के साथ भी आईएनजी नहीं आता है, तो फिर यहाँ पे हमने लविंग को सही क्यों माना। पहले तो आप ये समझ लो कि ये कम से कम वर्ब से पहले यूज हो रहा है, इसका मतलब कम से कम ये मैन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। और दूसरी बात, ये सन नाउन है, नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो एडजेक्टिव है, हम एडजेक्टिव और नाउन के रूप में आईएनजी का यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस सेंटेंस को क्या माना, सही माना। अब यहीं से हम लोग एक सेंटेंस और देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, यहीं से एक सेंटेंस और देखते हैं। अगला सेंटेंस आपके पास में लिखा हुआ है, दे वर ट्राइंग टू अपस्किल themselves, they were trying to upskill themselves, themselves है आपके पास। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है, अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट बना दूं, इसको अगर मैं सेकंड बना दूं, और इसको अगर मैं थर्ड बना देता हूं, लास्ट में नो एरर बना दूं, तो बताइए क्या एरर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में नो एरर बना दे अगर, तो बताओ इसमें क्या है। तो यहाँ बहुत सिंपल है, दे बताइए कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, वर्ब कैसा यूज होना चाहिए, प्लूरल, ट्राई वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैन वर्ब का है ये। हम जिन वर्ब्स के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते वो आपको अब से पहले बताई गई है, जिसमें से लव, लाइक, हेट, वांट, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, रिमेंबर, रिजेंबल, फॉरगेट, बिलीव, अंडरस्टैंड, नीड, नो, सीम, अडोर, फील, स्मेल, टेस्ट, माइंड, ऑन, रिकॉग्नाइज, नोटिस, प्रेफर, ये कुछ वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी नहीं लग सकता, लेकिन ट्राई के साथ आईएनजी लग सकता है, इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सेंटेंस आपके पास में देखिएगा, अगला सेंटेंस बना देते हैं, वन ऑफ हिज ब्रदर्स वॉच, वन ऑफ हिज ब्रदर्स वॉच नोटिसिंग हिज ऑल एक्टिविटीज ये आपके पास में एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है। आपको पता चल गया कि वॉच के बाद में नोटिस आ रहा है, इसका मतलब गलत है, नोटिस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं हो सकता। तो बताइए वॉच नोटिसिंग है, इसको चेंज करके अगर बनाएंगे तो बोलो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो बोलो क्या हो जाएगा, नोटिस्ड हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास में कुछ सेंटेंस है, हम लोगों ने बात किया अभी जो मैन वर्ब, कुछ वर्ब्स देखी थी जिनके साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। ध्यान देंगे आईएनजी का यूज करने से ये शब्द वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव तीन काम कर सकते हैं। आप आईएनजी किसके रूप में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्ब के रूप में, किसके रूप में यूज कर सकते हैं, नाउन और एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जहाँ पे आप लोगों ने, जैसे एक ब्रांड है जिसका आप लोग देखेंगे तो आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, ऐसा एक स्लोगन है, ठीक है, एक टैग लाइन है, आई एम लविंग इट। इस बात को ध्यान रखने के लिए एक चीज़ रखेंगे कि देखिए एक एक्ट होता है, कॉन्वेंटिकल एक्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो होता है, अ राइटर कैन कॉइन हिज न्यू वर्ड्स, एक जो राइटर होता है ना वो अपने नए वर्ड्स को कॉइन कर सकता है। इसीलिए अगर कोई भी स्लोगन या कोई टैगलाइन होता है उसमें ग्रामर की इन चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जा सकता है, और ऐसे केस में इन सेंटेंस को क्या माना जा सकता है, सही। लेकिन अगर हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट में बात करें तो हमारे लिए ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को हम सही तरीके से यूज करें। यह आपको समझ में आया कि कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी का यूज होता है और कौन सी के साथ नहीं होता। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, ये सारे वीडियोज, इससे पहले भी कुछ वीडियोज हैं जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है, वहाँ पे भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया है।
मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।